नमस्कार, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है कल तक न्यूज में। और मैं आपकी प्यारी चिट्ठी लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारी खट्टी मीठी खबरें। ये समय ना बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं हमारे न्यूज बुलेटिन की तरफ। अरमान ने किया रणवीर जी को विजेता घोषित। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उनका कहना है कि रणवीर ही उनकी नजरों में जीत चुके हैं। सूत्रों की माने तो हमें ये सुनने में आया है कि शिवानी बनना चाहती है विधायक। अभी वो अपने गांव की सरपंच है, पर हाँ जी बिल्कुल वो बनना चाहती है विधायक भी। तो इस वीक के नॉमिनेशन में है शिवानी, विशाल, देखते हुए बोल सकते हैं जी, शिवानी, नेजी, चंद्रिका, पौलमी, विशाल और मोनिसा। नॉमिनेशन की बात सुन के मोनिसा हुई होपलेस और उन्होंने घर में की जम के ओवर एक्टिंग। बड़ा खुलासा हुआ है हमारी प्यारी कृतिका भाभी के द्वारा कि शिवानी के सर में पड़ी जू। इसको बनाया गया है बहुत बड़ा मुद्दा। सबके सरों में हो रही है खुजली। बिग बॉस ने भेजा मेडिकल मेडिसिन। इसी लाया चंद्रिका का असली चेहरा सामने। आप खुद देख लीजिए। मैं भी देखती हूँ कैसे घर में खाना कैसे बनता है। भाई तुम ना मेरे घर जाके ब्लॉग्स देखना, मैं बहुत गरीब हूँ और अगर मैं उधर चली गई तो मेरा बच्चा भूखा रहेगा। मेरा पति कुछ काम नहीं करता, वो क्या करेगा। कहोगे चंद्रिका दीदी रोती है घर वाले सारे सब लोग कहेंगे चंद्रिका दीदी रोती है। अरे भाई रोना आ जाता है ना, सबको पता है ना मैं किस तरह से पूछती हूँ, चाहे अंदर वालों को पता हो ना पता हो। तुम क्या लगता है भाई मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। अपने पति का इस्तेमाल करके अपने बच्चे का रोना रो के 20 रुपए का वड़ा पाव 50 रुपए में बेच के छोटी पब्लिसिटी गेन करके कितना आसान होता है, क्या आसान होता है। पॉलमी होती है घर से बाहर, कोई मेरी मेहनत नहीं देखता, कोई मेरी मेहनत नहीं देखता। बोलेंगे चंद्रिका दीदी ऐसी है। यहाँ पर जब तक मैं रोई नहीं ना मेरा काम नहीं चल पाया, मुझे रोना पड़ा। उसके बाद मुझे एनिमेशन तक पहुँचाया गया है। आज तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आगे तुम लोगों का सपोर्ट जरूर करूंगी। मैं हार्ट पेशेंट में फिर भी तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मैं आप लोगों का बहुत थैंक्स करती हूँ और आज आप लोगों ने मुझे बचाया उसके लिए कहीं दिल से चंद्रिका आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार करती है। और आप सब लोग तो मुझे जानते ही है, मैं तुमसे 4 वड़ा पाव मांगता है ना उसको 2 वड़ा पाव देती हूँ। यहाँ मुझसे लोग 1 रोटी मांगते थे, मैं 4 रोटियां देती थी, लेकिन अब चंद्रिका ऐसा नहीं करेगी। मैं समझ गई हूँ अब मैं ये नहीं करूंगी, अब मैं अपना गेम खेलूंगी। का मानना है कि इस बार जनता नहीं पर बिग बॉस चला रहे हैं अपना घर। जी हाँ बिल्कुल बड़ा खुलासा किया गया है विशाल के द्वारा। उनने बताया कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं बट मैनिपुलेटेड है। आज की इस बुलेटिन में इतना ही। मैं की प्यारी चिट्ठी लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज यहाँ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बिग बॉस पे नजर रखिएगा, उनकी और उनकी मैनिपुलेटेड डिसीजन पे।